बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ पाया। सेब का साइज बहुत ही कम है, इसलिए कोई उपाय बता। सेब का साइज आपका कुछ एक कारण होते जिसकी वजह से कम हो। एक, आपके बगीचे में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, अगर ओवर वेजिटेशन होगी और फसल कम होगी तो डेफिनेटली आपका साइज कम आएगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आजकल फर्स्ट स्टेप में आप समर प्रूनिंग की ओर जा सकते हैं, लाइट पेनिट्रेशन होगी। दूसरा क्या होगा कि हो सकता है कि न्यूट्रिशन की अपटेक कम होगी, खासतौर पर नाइट्रोजन की। हो सकता है कि जब आपके फ्रूट सेटिंग वाला होना, उसके बाद आपने सेल डिवीजन के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन नहीं किया। अगर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो सेल की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से साइज कम आता है। या एक साइज ना आने का कारण होता है ओवर क्रॉपिंग। बहुत सारे हमारे बागवान साथी जिनके बहुत क्रॉप लगती है वो फ्रूट थिनिंग की ओर नहीं जाते। अगर आप टाइमली फ्रूट थिनिंग कर देते हैं तो साइज की ओर बहुत अच्छी तरीके से जाता है। सुरेंद्र शर्मा जी का, एचएमओ के कुछ समय बाद अल्टरनेटिव की प्रॉब्लम शुरू होगी, एचएमओ के कितने दिन बाद फंगिसाइड करें और कौन सी बेस्ट रहेगी? सुरेंद्र शर्मा जी, एचएमओ के कुछ समय के बाद अल्टरनेटिव, एचएमओ और अल्टरनेटिव का कोई लेना देना नहीं है। अल्टरनेटिव अपने समय पे आएगा, अगर आया है तो। अगर आप फंगिसाइड की बात करते हो लगभग आपको 10 दिन का गैप देना पड़ेगा फंगिसाइड में और एचएमओ में, स्प्रे के बाद 10 दिन, स्प्रे से पहले भी 10 दिन। राजिंदर नेगी जी का क्वेश्चन है कि रेड डिलीशियस में इस बार बहुत रेस्टिंग है, खासतौर किंग रोट और रेड ब्लॉक्स, जबकि पीजीआर की भी सब। तो राजिंदर नेगी जी, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके हाई कलर स्ट्रेन है उसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है। इस साल जो मैक्सिमम जो रेस्टिंग है वो आज से नहीं, वो बहुत तब से हमेशा ही आती है। वो मैक्सिमम फ्रॉस्ट इंजरी है, एक चड़ी सी बनती है चारों साइड बड़े बड़े पैच में फ्रूट के बीच में, तो वो फ्रॉस्ट इंजरी है। और जो ये वाली रस्टिंग है वो ऊपर से डंडी के पास से हमारी रसेट शुरू होती है, वो फंगल डिजीज, ये फ्रॉस्ट की वजह से है। तो हो सके तो ऐसे फ्रूट को आप कट डाउन कर दीजिए। और बात आई पीजीआर की, हो सकता है कि जी पीजीआर का आपका करने का समय सही ना रहा हो उस वक्त, वैसे फ्रॉस्ट इंजरी के लिए ही पीजीआर होता है। दूसरी बड़ी बात है कि भी आपका जो पीजीआर है, आपने कौन सा यूज करा था, कैसा यूज करा था, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं मिल गया, ये बहुत सारे इश्यूज है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता ऐसे बिना जांच के। संदीप ठाकुर जी, M45 प्लस कार्बन डाइजिन प्लस मैजेस्टिक माइट के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। कभी भी फंगिसाइड के साथ आप माइटीसाइड ना करें, माइटीसाइड को हमेशा सिंगल करें। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई फंगिसाइड के साथ और टोनिक के साथ आप इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी मिक्स ना करें, चाहे वो वुलियाफिड के लिए है चाहे आपका। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप रोगर टाइप में कर सकते हैं जो आपको कंट्रोल करेगा, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत माइट की प्रॉब्लम और ज्यादा आ सकती है।